नाम का एक अमीर सेठ रहा करता था। सेठ के पास बहुत धन था, पर फिर भी वो स्वभाव से बहुत कंजूस था। एक दिन गांव का ही एक मजदूर सुरेश गोपालदास के खेत में काम खत्म करने के बाद अपनी दिहाड़ी लेने उसके घर पहुंचता है और उससे कहता है, सेठ जी, मैंने आपका पूरा खेत जोत दिया है, अब आप मुझे आज का पैसा दे दीजिए, घर का काम भी निपटाना है, मुझे देर हो रही है। अच्छा अच्छा रुको, ये लो तुम्हारे आज के पैसे, अब जाओ मजे करो। सेठ अपनी जेब से सिर्फ 200 रुपए निकाल कर सुरेश को पकड़ा देता है, जिसे देखकर सुरेश चौंकते हुए गोपालदास से कहता है, सेठ जी ये क्या है, आपने तो काम करने से पहले 400 रुपए देने की बात की थी, और अब आप ये आधे पैसे यानी कि 200 रुपए ही दे रहे हैं, बस ये तो सरासर गलत किया आपने, ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरे पूरे पैसे दे दीजिए। सेठ जी, अभी तो मेरे पास 200 रुपए ही हैं, पता नहीं और पैसे कहाँ खो गए, समझ नहीं आ रहा, जैसे ही मिल जाएंगे आकर ले जाना, अभी तो यही रखो। हाँ, ऐसा पहली बार नहीं था जब गोपालदास ने किसी के साथ बेईमानी की हो, वो पूरे गांव में अपनी कंजूसी के लिए ही प्रसिद्ध था। अब सुरेश भी सेठ की बेईमानी का शिकार हो गया था, उदास मुंह लटकाए 200 रुपए लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे बिरजू मिल जाता है। क्या हुआ सुरेश, लगता है आज का काम सही से नहीं हुआ, इतने दुखी क्यों हो? क्या बताओ बिरजू भाई, धनी राम जी के खेत में जुताई करना था, पर शाम के समय सेठ जी ने आकर अपने खेत जोतने के लिए कह दिया, मुझे लगा सेठ जी का काम करने के बाद धनी राम के खेत का भी काम कर दूंगा, सेठ से ज्यादा पैसे मिलने के लालच में मैं पहले उसी के यहाँ काम करने पहुँच गया, पर काम खत्म करने के बाद गोपाल दास ने मुझे 400 की जगह सिर्फ 200 रुपए ही दिए। अच्छा तो ये बात है, अरे भाई ये कोई नई बात है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सेठ कितना कंजूस है, वो तो सभी के साथ ऐसा ही करता है, अब तो जो मिल गया उसी में खुश रहो। बिरजू और सुरेश बात कर ही रहे थे कि तभी धनी राम वहाँ आ जाता है, और आते ही वो सुरेश से कहता है, सुरेश आज तुम मेरे यहाँ काम करने नहीं आए, सुबह से हर जगह ढूंढा तुम्हें, कहाँ थे तुम, कल आ जाना, ये लो तुम्हारे पैसे पहले ही दे देता हूँ, नहीं तो खर्च हो जाएंगे। अगर गोपाल दास अपनी बेईमानी के लिए तो धनी राम अपनी ईमानदारी के लिए पहचाना जाता था। वो अपनी जेब में से 400 रुपए निकाल कर सुरेश को देता है, जिसे देख कर सुरेश उससे कहता है, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, एक तरफ आप हैं जिन्होंने काम से पहले ही मुझे सारे पैसे दे दिए, और एक तरफ गोपाल दास जिसने काम करने के बाद भी आधे पैसे ही दिए। अच्छा ठीक है सुरेश भाई, अब काफी शाम हो चुकी है, मुझे दूध लेने भी जाना है, अब चलता हूँ। धनीराम के जाने के बाद सुरेश और बिरजू भी अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब अगले दिन सेठ गोपाल दास बैठा अपनी पत्नी मालती को आवाज लगा रहा था। अरे मालती देवी, भगवान कहाँ चली गई? यहाँ भूख के मारे जान जा रही है। भूख के मारे जान जा रही, सुबह से दो बार तो खा ही चुके। अच्छा सुनिए, मैंने रंगाई करने वाले को 1000 रुपए दे दिए, आप घर पर थे नहीं तो मैंने ही पैसे दे दिए। हे भगवान, हे भगवान, खाने का दिवाला मुंह में जाता इससे पहले ही बुरी खबर सुना दी तुमने, अब ये खाना मेरे गले नहीं उतरेगा। 1000 रुपए तो मैंने उससे काम निकलवाने के लिए बोला था, उसको सिर्फ 500 ही देने थे। हे भगवान, लुट गया ऊपर वाले में तो। देखो मैं तुम्हारी तरह बेईमानी नहीं करती, आज लोगों का पैसा मारोगे तो कल अपने ऊपर निकल कर आएगा सब, ये बात याद रखना। मालती और गोपाल दास एक दूसरे से बहस कर ही रहे थे कि इसी बीच उनका बेटा जो शहर में डॉक्टर की पढ़ाई करने गया था वो आ जाता है। पिताजी प्रणाम, माँ प्रणाम, आप दोनों झगड़ना बंद कब करेंगे? बेटा अचानक से आ गए, बिना बताए आने की क्या जरूरत थी, एक बार फोन कर देते। अच्छा बेटे ये बताओ कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? पिताजी गांव के लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं होते, ना ही आसपास में कोई क्लिनिक है, तो मैंने सोचा पढ़ाई तो पूरी हो ही गई है, क्यों ना गांव में रहकर गांव वालों की सेवा की जाए। बहुत अच्छा विचार है बेटे, घर पर रहकर गांव वालों की सेवा करना, चलो कम से कम अपने बाप पर तो नहीं गया। बिल्कुल बेकार विचार है, गांव में रहकर इन गंवार लोगों का इलाज करेगा, क्या इसी के लिए मैंने इतनी कंजूसी करके पढ़ाया तुझे? पिताजी मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा, कितना अच्छा रहेगा, और साथ साथ लोगों की मदद भी कर दूंगा।
इलाज के बदले गांव वाले तुझे क्या देंगे पता है? गोबर और अनाज। क्या इन चीजों से घर चलेगा? अपना इरादा बदलो और कुछ दिनों में वापस शहर जाकर वहाँ क्लिनिक खोलो। अपनी माँ की तरह ईमानदारी का ढोल मत पीटो। कुछ दिन घर पर रुकने के बाद गोपाल दास का बेटा वापस शहर चला जाता है। धीरे धीरे गोपाल दास के नौकर भी पगार समय से और पूरा ना मिलने की वजह से उसके यहाँ काम करने आना बंद कर देते हैं। अब गांव वाले भी सेठ की हरकतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का विचार बनाते हैं। ये सेठ हमेशा ऐसा ही करता है। सुना है कि अपने बेटे को वापस शहर में भेज दिया ताकि वो यहाँ गांव वालों की मदद ना कर सके। हाँ, उसके घर नौकरों ने भी तो काम पर जाना बंद कर दिया। अब पता लगेगा उसे कि काम करना कितना मुश्किल होता है, वो भी तब जब मेहनत भी करो और उसका पगार भी कम मिले। गोपाल दास को तुम लोग इतना बेवकूफ मत समझो, वो कहीं ना कहीं से अपने काम के लिए नौकर ले ही आएगा। उससे अपने पैसे निकलवाने हैं तो यही मौका है। वो अभी लाचार है, हमें इसी समय कुछ न कुछ करना पड़ेगा। भैया मेरे पास एक उपाय है, मैं उसके यहाँ काम कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आगे जो होगा वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। गांव वालों की मदद के लिए मैं अपने शहर की नौकरी को फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। जैसे ही आप लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी वैसे ही मैं वापस शहर चला जाऊंगा। आखिरकार गंदगी साफ करने के लिए किसी को तो कीचड़ में हाथ डालना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम जितनी जल्दी हो सके सेठ के घर काम मांगने पहुंच जाना। घर का सारा काम करने में हालत खराब हो जाती है, सारे नौकर भी भाग गए। आपकी कंजूसी का भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। पता नहीं नौकर के लिए अब कोई आएगा भी या नहीं। इसी बीच गोपी सेठ के यहाँ नौकरी मांगने आ जाता है। गोपी सेठ को घर के बाहर से आवाज लगाते हुए कहता है, सेठ जी घर में कोई है? गोपी की आवाज सुनकर सेठ उसको अपने घर के अंदर बुला लेता है। मैंने सुना है आपको नौकर की जरूरत है सेठ जी, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? काम तो मिल जाएगा, पर तुम हो कहाँ के? आज से पहले कभी देखा नहीं तुम्हें इस गांव में। सेठ जी मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं दूसरे गांव से यहाँ काम की तलाश में आया था तो पता चला कि आपको नौकर की जरूरत है। ठीक है, हम तुम्हें काम पर रख लेंगे, पर पहले एक दो दिन तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम इस घर का काम कर भी सकते हो या नहीं। अगर सब अच्छा रहा तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। ठीक है सेठ जी। बीते दो दिनों में गोपी पूरी मेहनत से गोपाल दास के घर का काम करता है। वो कोई भी काम समय से पहले ही कर दिया करता, जिससे खुश होकर सेठ गोपी से कहता है, तुमने काम तो अच्छा ही किया है, महीने का कितना पगार लोगे तुम? जरा सोच समझ कर बताना। सेठ जी आपको जितना मन हो आप दे दीजिएगा, बस मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर उनके हिसाब से काम हुआ तो अच्छा, नहीं तो फिर मैं जितना पगार चाहूंगा आपसे ले सकता हूँ। क्या शर्त? अब नौकर भी शर्त रखने लग गए। चलो कोई बात नहीं, बताओ क्या शर्त है। पहली शर्त ये है कि मैं बिना काम किए रह नहीं पाता, तो मुझे रोज 5 काम मिलने चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि अगर आप दिन में 5 काम देने में असफल रहते हैं तो मैं अपने हिसाब से पगार ले सकता हूँ। इतना आसान शर्त? मैं तो ऐसे ही डर गया था। 5 क्या, मैं तो इसे 10 काम भी दे सकता हूँ। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है। ठीक है सेठ जी, मैं कल कुछ कागजात ले आऊंगा, आप उस पर अपना अंगूठा लगा दीजिएगा। अगले दिन गोपी सेठ से कागज पर अंगूठा लगवा लेता है, जिससे आगे चलकर सेठ शर्त की बातों को लेकर कोई बेईमानी ना कर सके। आने वाले कुछ दिनों तक तो सब अच्छा चलता है। सेठ और उसकी पत्नी भी गोपी के काम से खुश रहते हैं। गोपी सारा काम जल्दी जल्दी और अच्छे से कर दिया करता। लेकिन एक दिन जब सेठ किसी काम से घर देरी से आता है और अपनी पत्नी से पूछता है, भगवान आज का काम कैसा रहा गोपी का? शर्त के अनुसार सारे काम कर दिए ना उसने? काम दे भी तो क्या दे, ऐसा कोई काम नहीं बचा जो हम उससे करवा सके। जो भी काम देते हैं ये उसे पूरा कर देता है और दोबारा उसे करने लायक भी नहीं छोड़ता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या काम दिया जाए। तुम मेरे सारे बचाए पैसे इस नौकर को दिलवा दोगी, अब ऐसा क्या काम दिया जाए जो ये समय से पहले न कर पाए, जिससे अगला दिन भी आ जाए और हम बच भी जाएंगे। हाँ, इसको अपने खेत से नारियल तोड़ कर लाने के लिए कहता हूँ, इतना ऊंचा पेड़ है चढ़ने में इसकी हालत ही खराब हो जाएगी। सेठ गोपी को नारियल लाने का आदेश देते हुए मन ही मन खुश होता रहता है।
गोपी भी जल्दी से अपना काम पूरा करने के लिए नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे बाप रे, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, अब क्या करूं, इस चक्कर में तो मैं सर फाड़ जाऊंगा। ये उपाय सही रहेगा, सेठ को तो बस नारियल ही चाहिए, चाहे अब मैं कैसे भी तोड़ूं। कुछ देर सोचने के बाद गोपी भागकर एक फावड़ा ले आता है और उससे नारियल का पेड़ काटने के बाद नारियल तोड़कर कुछ देर वहीं बैठ जाता है। मेरे साथ चालाकी, अगर मैं अभी सेठ को नारियल दे आऊंगा तो सेठ मुझे और भी काम दे देगा। समय पूरा होने से 10 मिनट पहले सेठ के सामने पहुंच जाऊंगा, तब तो सेठ आराम से शर्त के हिसाब से मुझसे हार जाएगा। दूसरी तरफ सेठ घर में बैठा हुआ खुश हो रहा था कि उसके दिमाग की वजह से वो आज शर्त हारने से बच गया। सेठ अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर ही रहा था कि तभी गोपी नारियल लिए वहाँ पहुँच जाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपका नारियल, अब शर्त के हिसाब से आप मुझे आज 5 काम नहीं दे पाए, अब मैं आपसे मनमाना पगार वसूल सकता हूँ। मनमाना पगार, पता नहीं कितना पैसा बोलेगा ये। चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं आपसे अपने लिए पैसे नहीं लेने वाला, आप मुझे सिर्फ उतना ही पगार दीजिए जितना कि इस गांव वालों का पैसा आपने कंजूसी से मारा है। मैं चाहूँ तो शर्त के आधार पर आपसे मनमाना पैसा वसूल सकता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ अपने गांव वालों को उनका हक दिलाने के बहाने से आया था। अच्छा तो तुम इसी गांव के हो, बेटा तुमने हमें माफ किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम चाहते तो कुछ भी ले सकते थे, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अगले ही दिन सेठ गांव के लोगों को बुलाकर उनके मारे गए पैसे लौटा देता है। सारे गांव वाले गोपी की इस काबिलियत पर काफी खुश होते हैं।